डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, सभी को ध्यान से सारी बातें पहले समझनी है, उसके बाद में हम स्टडी चालू करेंगे। बच्चों, पिछले सालों में क्या होता था, हम स्टूडेंटों से जुलाई में मिलते थे और स्टूडेंट क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन अब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करनी है। अभी से कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कॉलेज कब खुलेंगे, लेकिन जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही स्टडी करनी है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, जो कि एमएजे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उन सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम केमिस्ट्री की क्लास, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में एलिमेंट्री नॉलेज कि कितने नंबर का कौन सा पेपर है, कितनी यूनिट्स हैं और हमको इस साल कितना सिलेबस पढ़ना है, सारी चीजें हम बताएंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप दोनों के लिए कंपलसरी है, दोनों ग्रुप में ये पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री में दो प्रकार के पेपर होते हैं बच्चों, एक तो थियोरेटिकल थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी के पेपर तीन भागों में डिवाइड हैं, इनऑर्गेनिक पेपर फर्स्ट, ऑर्गेनिक पेपर सेकंड और फिजिकल पेपर थर्ड। बच्चों, अगर मार्क की बात करते हैं, ये 33 मार्क का है, ये भी 33 का है और ये 34 का है, यानी 100, और प्रैक्टिकल 50 मार्क का। टोटल हमारे पास में मार्किंग होगी केमिस्ट्री की 150 मार्किंग है, और 150 में से हमको जो मार्क ऑब्टेन करने हैं वो डिसाइड होता है आपकी मेहनत से, लगन से। सारे स्टूडेंट जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से ग्रुप पर जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा उसको अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें। आज जो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास में 5 यूनिट है बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं, यानी केमिस्ट्री के सारे पेपरों में 5-5 यूनिट में डिवाइडेड किया हुआ है सारे पेपरों को। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांच। पहली हमारे पास में गणितीय अवधारणाएं, एवं द्रव अवस्था है, लिक्विड फेज। दूसरी बच्चों हमारे पास में
गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट। तीसरी हमारे पास में है सॉलिड स्टेट। फोर्थ कोलाइडल स्टेट। और फिफ्थ बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। ये यूनिट आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी एलिमेंट्री नॉलेज के लिए है। गणितीय अवधारणा में हम लॉग के बारे में यानी लघु गणक के बारे में, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में हम स्टडी करेंगे। अवकलन है, समाकलन है, ये हमको इसमें पढ़ना है। गैसीय स्टेट में हम विभिन्न प्रकार के नियम है, आदर्श गैस समीकरण है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, क्रिटिकल फिनोमिना है और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट में हमारे पास में ठोस द्रव गैस में डिफरेंशिएशन क्या है, हमारे पास में सॉलिड की जो यूनिट्स हैं वो क्या है, इकाई कोशिका एकक कोशिका है, और ब्रैग इक्वेशन क्या है, विभिन्न प्रकार की संरचना है। क्रिस्टलोग्राफी के नियम्स हैं। इसी प्रकार से कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट में हम विभिन्न प्रकार के कोलाइडों के बारे में, उनको बनाने की विधियां हैं, उनकी पृथक्करण की विधियां हैं, शुद्धिकरण की विधियां और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर यानी कोटि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री ले रहे हैं बच्चों। मैक्सिमम मार्क इसके 34 नंबर है। यूनिट हम फर्स्ट ले रहे हैं गणितीय अवधारणाएं एवं द्रवावस्था, मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड लिक्विड स्टेट, माइसेल्फ इज डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा। सबसे पहले हम लघु गणक, लॉगरिथम, लघुरिथम, लॉगरिथम लॉगरिथम के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं लघु गणक या लॉग के बारे में। लघु गणक या लॉग के बारे में हम छोटी क्लास से ही स्टडी करते आ रहे हैं। हमको सिंपल सिंपल कंसेप्ट इसमें देखने हैं जो कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं उनमें काम आएंगे। इसकी डेफिनेशन इस आधार से दी जाती है, दिए हुए आधार पर, समझे बच्चों, दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य दी हुई संख्या के बराबर हो। दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य दी हुई संख्या के बराबर हो। अब इस परिभाषा को हम एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे हम एक सिंपल भाषा में बात करते हैं टू, ये इसका मतलब 9 है। हम इसको लॉग के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, लॉग लॉग हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लॉग आधार 3 पर 9 का मान 2 है। दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर दी हुई संख्या का मूल्य प्राप्त हो जाए। आधार 3 पर इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, आधार 3 पर 9 का लघुगणक
जीरो है। इसी तरीके से हम अगर तीसरा एग्जांपल लें बच्चों, लॉग 8 के, लॉग 8 पर के का मान 3 हो, लॉग 8 के पर लॉग 8 के का मान 3 हो तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग 8 3 या लॉग 8 के बराबर 3। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, 8 की पावर 3 बाई के। ये हमने कहां से लिया बच्चों? डेफिनेशन से। दिए हुए आधार पर किसी संख्या का, दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर दी हुई संख्या का मूल्य प्राप्त हो जाए। अब 8 की पावर 3 यानी के बराबर 8 × 8 × 8 बराबर 512। ये आंसर इसका आता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कई कंसेप्टों में ये मेथड पूछे जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों, आप समझ रहे होंगे, एक सिंपल चीज है, शुरुआत में धीरे धीरे समझ में आई बच्चों, टीचर की लैंग्वेज कैसी होती है, किस तरीके से समझा रहा है, अलग अलग सभी टीचरों का पैटर्न होता है, तो आपको धीरे धीरे टीचर की लैंग्वेज इसके बारे में आपको आदत पड़ जाएगी, आराम से समझ में आने लगेगा। अब हमारे पास में कुछ पॉइंट है बच्चों, आधार ई व 10 में संबंध क्या होता है बच्चों? हम किस तरीके से आधार ई को, जैसे लॉग ई की पावर एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 2.303 लॉग 10 एक्स। हम कई बार इसको इस तरीके से भी लिखते हैं बच्चों, ln x। अब हमारे पास में कुछ कंसेप्ट ये हैं कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक, किसी भी आधार पर, जैसे हमारे पास में ये आधार है, एक का लघुगणक कितना होगा बच्चों? 0। चाहे हम 10 ले लें तो भी एक का लघुगणक क्या होगा? 0। और अगला जो पॉइंट है बच्चों, आधार एक पर एक का लघुगणक कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे आधार एक और एक, आधार एक पर कोई भी संख्या का लघुगणक या आधार एक पर एक का लघुगणक कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये बच्चों छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर, जैसे हमारे पास बच्चों ये संख्या ए है, इसी आधार पर इसकी वैल्यू एक होगी, जैसे हमारे 10 पर 10 की वैल्यू 1 है। और किसी भी आधार पर या log 10 पर 0 की वैल्यू 1 होगी। जैसे हमारे पास में एक तो बच्चों जैसे log 10 पर ये वैल्यू महत्वपूर्ण है, एक ये वैल्यू महत्वपूर्ण है बच्चों, ये हमको याद करना पड़ेगा। अब लो जो लॉगरिथम, लघुगणक के कुछ नियम है बच्चों जो कि हम जानते हैं और वो हमारे पास में बार बार में काम में आएंगे। जो बच्चे पहले से अगर लॉग के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो वो नियमों को जरूर समझें। लघुगणक के नियम, नियम नियम के बारे में सबसे पहले गुणनफल का नियम, गुणनफल का नियम। लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमारे पास में बच्चों लॉग ए एम इंटू एन दो वैल्यू हैं, तो अगर हम इसको खोलना चाहें तो इस तरीके से खोल सकते हैं, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, यानी दो राशियों का गुणनफल लॉग के साथ में है,
तो उसको हम सॉल्व करने के लिए या अलग अलग करने के लिए दोनों राशियों को प्लस के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में भागफल का नियम है, डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ भागफल का नियम है बच्चों। इसमें हमारे पास में क्या होता है, जब दो राशि भागफल के रूप में होती हैं, डिवीजन के रूप में होती हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उनको घटा दिया जाता है। तीसरा हमारे पास में है घात का नियम बच्चों, एक्सपोनेंशियल लॉ, घात का नियम। जैसे लॉग ए किसी राशि का घात एन है, तो घात पहले आ जाती है और उसके बाद में उस राशि को हम लिख देते हैं। इस तरीके से ये घात का नियम बच्चों। हमको कुछ वैल्यू याद रखनी है, कुछ वैल्यू याद रखनी है बच्चों। लॉग टेन के बेस में ए का मान, लॉग टू का मान, लॉग टेन के बेस में थ्री का मान, लॉग टेन के बेस में फाइव का मान, लॉग टेन के बेस में सेवन का मान। ये वैल्यू हमको याद रखनी है। इसका मान पॉइंट तीस दस थ्री जीरो वन जीरो, इसका मान बच्चों जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन, फाइव जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन जीरो, और इसकी वैल्यू बच्चों जीरो पॉइंट एट फोर फाइव वन। ये वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है।